Good morning, friends. Welcome once again to the Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 21st February 2019, Thursday, अभी सुबह के 8:10 हो रहे हैं. इस वीक का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के भी वीकली एक्सपायरी है, तो संभल कर ट्रेड कीजिए, काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है. कल 8 कंटिन्यू निगेटिव सेशंस के बाद एक पॉजिटिव सेशंस हुआ है, तो क्या टेक्निकल पैटर्न बन रहा है चार्ट के अंदर वो भी देखेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 28 फरवरी 2019 आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के हमारे इंट्राडे प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,637 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,585. तो आप जैसे कि देख रहे हैं मार्केट ओपन ही हुआ हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर और अराउंड फर्स्ट टारगेट के पास. तो एज पर इंट्राडे ये जो प्लान बनाया था इसके मुताबिक तो ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं था. उसके बाद सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ, लेकिन प्लान के हिसाब से ये यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा था. ठीक है, तो कल कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. तो चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं और उसके बाद आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाएंगे. तो ये है ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में फिर से एक बार हल्की सी पॉजिटिव नोट देखने को मिली. डाउ जोन्स ऊपर 63 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो हरे निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट निक्केई 37 पॉइंट के एक छोटी सी गिरावट दिखा रहा है और हांगकांग मार्केट और चाइना मार्केट अभी फिलहाल हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी वहां पर थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है, 8 पॉइंट की गिरावट. और एसजीएक्स निफ्टी 32 पॉइंट के गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े मिले जुले संकेत है. कल निफ्टी इंडेक्स में बाउंस बैक देखने को मिला जबरदस्त, काफी 8 ट्रेडिंग सेशन के डाउनफॉल के बाद. तो क्या पैटर्न बन रहा है निफ्टी इंडेक्स में देखते हैं. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. कल हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था, ये जो लास्ट बॉटम बना था और ये जो यहाँ पर टॉप बना था इसको पकड़कर. तो इसका 50% का लेवल 10,561 के पास आ रहा था. ये देखिए 10,561, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने फिर से एक बार ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है, ये टेस्ट किया है यहाँ पर सपोर्ट और फिर से एक बार 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर आके ये फिर से एक बार क्लोज हुआ है. हालांकि अभी तक 2 दिन बाकी है ये वीक क्लोज होने के लिए, तो देखना होगा इसके ऊपर ये सस्टेन कर पाता है या नहीं. एज पर वीकली चार्ट देखे तो यहाँ पर साइडवेज पैटर्न है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है. ऊपर में लेवल है 11,118 और नीचे यहाँ पर ये 10,550 के पास, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है. ठीक है, डेली चार्ट पर चलते हैं. यह है डेली चार्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 8 ट्रेडिंग सेशन का फॉल है इसके बाद ये अभी बुलिश कैंडल बनाए, तो यहाँ पर एक सुपर पैटर्न बनाए जिसका नाम है पिवट बार रिवर्सल पैटर्न. तो एक्चुअली ये है क्या, पिवट बार रिवर्सल पैटर्न. तो आप देख सकते हैं कल के कैंडल का हाई, ओपन, लो और क्लोज, ये चारों चीजें प्रीवियस कैंडल के हाई, ओपन, लो, क्लोज से ऊपर है, यानी इसे पीवट बार रिवर्सल कहते हैं. जब भी ये डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा पैटर्न आता है तो वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहां से एक हमें अपसाइड जर्नी दिखाई दे. ठीक है, इस पैटर्न को हमने, हमारा एक वीडियो है ये टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, इस वीडियो के अंदर इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आप इस पैटर्न को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर आप एक बार चेक कीजिए. ठीक है, तो इसे पिवट बार रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है. जब भी ऐसा डाउन ट्रेंड में जब ये पॉजिटिव बार क्रिएट होता है और उसका ओपन हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के ओपन हाई लो और क्लोज से ऊपर होता है तभी यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन होता है. एक दो एग्जाम्पल देखेंगे. इस पिक्चर को याद रखिए, इस पैटर्न को. ठीक है, तो पास्ट में जब ऐसा पैटर्न आया था, ये देखिए सेम पैटर्न है यहां पर.
सेम पैटर्न, ये डाउन ट्रेंड आया था और उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनाए जिसका हाई ओपन लो और क्लोज ये ऊपर है प्रीवियस कैंडल के हाई ओपन लो और क्लोज के बाद। और ये पैटर्न आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जबरदस्त बुलिश ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिली। और एक देखते हैं सेम पैटर्न यहाँ पर भी एक है, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड और उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल पिवट बार रिवर्सल कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद ये अप ट्रेंड यहाँ से, तो फिर से एक बार ये पैटर्न आया है। तो क्या अभी भी ये ऐसा है, हमें अप साइड ट्रेंड दिखाएगा निफ्टी इंडेक्स में, देखना होगा। यहाँ पर लॉन्ग बना सकते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है यहाँ पर, ये कैंडल का लो यहाँ पर स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। ऊपर में हर्डल है अभी 10,800 का, ठीक है ये एक हर्डल है, और ऊपर में अगर ट्रेंड होता है तो हम इस फॉल का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। 38.2% का लेवल भी ऑलमोस्ट 10,800 के पास आ रहा है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो ऊपर में 10,851 ये 50% का अभी लेवल है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो डेली चार्ट में अभी यहाँ पर सुपर पैटर्न बना है, पिवट बार रिवर्सल पैटर्न, देखते हैं क्या होगा। चलते हैं आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये है 60 मिनट का चार्ट, अगर निफ्टी इंडेक्स कल का ये जो हाई बनाया है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,776, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,786, ये हमारा 787, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो कल यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया था इस लेवल के पास ऑलमोस्ट लो के करीब था, कल के लो के करीब, तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है टुवर्ड साउथ की तरफ तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 10,634, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 10,605। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो या एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।